आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। शाह रसम तो अब हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए, सगाई पर मिलते हैं। मिस्टर शाह अगर रिंग ना मिले तो परेशान मत हो ना, हमें बता देना, दूसरी रिंग हम ले लेंगे। जय श्री कृष्ण। चलो बेटा। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुछ भी अच्छा होने वाला था सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अच्छा खासा मम्मी ने अंगूठी ले ली थी, फिर उसका ख्याल क्यों नहीं रख पाई? मम्मी की वजह से आज तक किचन में एक भी स्पून नहीं खोया और मेरी एंगेजमेंट की रिंग खो गई। अब रोना बंद कर और अंगूठी ढूंढ। और आप हमेशा अपनी बहू के गुणगान गाते रहते हो ना, देखा उसी की लापरवाही से आज अंगूठी खो गई। शांति रख, शांति रख, चल। अरे क्या शांति रख, शांति रख, एक दिन वो मुझे भी खो देगी ना, तब बोलना शांति रख, शांति रख। बा कई बार पैनिक करने से सामने रखी हुई चीज भी नहीं दिखती है। आई एम श्योर रिंग यही कहीं होगी, आखिर जाएगी कहाँ? आई रियली थिंक हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बात 2-4 हजार की नहीं, अंगूठी काफी एक्सपेंसिव है, आई थिंक ये लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे। तोशु ठीक कह रहा है बा, अब पुलिस ही रिंग को ढूंढ सकती है। हाँ मम्मी मुझे भी लगता है कि हमें पुलिस बुला लेनी चाहिए। अब पुलिस को क्यों बुलाना है, मतलब घर में से अंगूठी चोरी हो गई है क्या? मतलब चोरी हो भी सकती है ना, अभी शादी का घर है, इतने सारे लोगों का आना जाना रहता है, तो अंगूठी घर में से चोरी हो सकती है। अरे पर बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं है, तो चोरी कैसे होगी? माफ करना बा, पर जहाँ से आपकी काम ही नहीं देख रही है ना, वहां से तो सब बाहर वाले ही दिख रहे हैं। कामिनी आंटी आप एक काम कीजिए ना, आप हमारी तलाशी ले लीजिए, फिर मैं अपनी घर की चाबी भी दे देती हूँ, आप वहां जाके भी सर्च कर लीजिए। नंदिनी। नहीं मासी मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस कामिनी आंटी को समझा रही हूँ ताकि उनका शक दूर हो जाए, उन्हें समझ आ जाए कि आप और मैं भले ही बाहर के लोग हैं लेकिन चोर नहीं। कामिनी। नाना मोटा भाई आपके कामिनी का कहने का मतलब ये नहीं था। अरे मोटा भाई मैं कामिनी हूँ, कामिनी नहीं, मैं तो ये नौकरानी की बात कर रही थी। कामिनी दीदी मैं तो कह रही थी एक और सब नहीं। मैंने तुम्हें सुबह समझाया था, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। झिलमिल और गुड़िया बार वाले नहीं है। झिलमिल मेरी बहन है, मेरी सहेली है, मेरी सुख दुख की साथी है, और गुड़िया ये ना तो सुन पाती है ना ही बोल पाती है, लेकिन इसके संस्कार इतने पक्के हैं कि इस घर में वो पानी के ग्लास को हाथ लगाने से पहले भी मेरी ओर देखती है, जब मैं हाँ में सर हिलाती हूँ तब जाके वो पानी पीती है। दीदी मुझे तो शक हुआ इसलिए बोल दिया। शक करना दुनिया का सबसे आसान काम है कामिनी, मुश्किल है तो विश्वास करना। और मेरे लिए हर रिश्ते में हर संबंध में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और कोई विश्वास तोड़ दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर जाएगा।
मैं उसे कभी भी किसी भी कीमत पे माफ नहीं करूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, पर धोखा नहीं। और मैं जानती हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि झिलमिल कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।